दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो शोकवासी की ओर से आप सभी को नमस्कार। तो न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं दोस्तों दो चीज़ों की बधाइयाँ देना चाहता हूँ आपको। जैसा पता है, रक्षाबंधन की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं, और 15 अगस्त की आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत सारी जो भी हमारे भारतवासी है। दोस्तों अभी जो टाइम हुआ है, दिन के फिलहाल 12 बजे है और मैं शॉप आया हूँ। सुबह मैं शॉप 10 बजे आ जाता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश को आज़ाद हुए हुए भारत देश को आज़ाद हुए हुए लगभग 75 साल परसों 3-4 दिन बाद कंप्लीट होने वाले हैं, जो कि हमारा 1947 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था, जो कि रात 12 बजे आज़ाद हुआ था। और 15 अगस्त 1947 से भारत का हर नागरिक आज तक बिल्कुल खुश है। जैसा कि आपको पता है, 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर में, जो कि हमारा इस बार तिरंगा फैलाया जाएगा। क्या मेरे बैक शटर देख पा रहे हो? ये बैक शटर है मेरे शॉप का, जो कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए हमें सिंक वगैरह लगा है। और मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको जो हमारा अंदर का, जो आपने तो मेरे पीछे वाले ब्लॉग में देखा ही है, जो कि मैंने ब्लॉग भी डाला था न्यू ज्वाइनिंग कसोग में, जो कि मेरी शॉप की ज्वाइनिंग थी। मैं अंदर से दिखा देता हूँ एक बार फिर से आपको। तो ये है, वो यहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ पे सिंक वगैरह लगा है, और ये है दुकान। ये पूरी हमारा यहाँ पे दुकान जो है, शोरूम पूरा, जैसे कि गारमेंट्स का ही है। यो वहाँ दरवाजे से मैं अंदर आया हूँ, अभी एंटर हुआ हूँ। और ये मिरर लगे हैं कुछ चेंजिंग रूम में, और ये गर्लिश पैंटे वगैरह कुछ ऐसे सामान बिक रहा है जो कि हमें अभी कस्टमर को दिखाया था। और ये कुछ कस्टमर और भी है यहाँ पे। तो जैसा कि आपने देखा, पीछे जो भाई है उन्हें कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं। तो मैं सेकंड फ्लोर से दिखाता हूँ सड़क। यहाँ से ऐसी दिखती है कुछ सड़क, बाहर बिल्कुल खाली, आज कोई जाम नहीं लगा है यहाँ पे। तो अभी मैं जो हूँ, ये वाला जो है, मुझे यहाँ पे कपड़े जो है यहाँ पे समेटने हैं, फिर से फोल्ड करने हैं, फिर यहाँ पे रखने हैं जो हमारी स्वेटर है, गर्ली स्वेटर है। तो मैं ये जो काम हूँ कर लेता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। पैकिंग हो रही है स्टार्ट, अब हम पैकिंग कर लेते हैं। थोड़ी देर, 5-10 मिनट लगेंगे इसको पैक करने के लिए। थोड़ा सामान आया है, उसको भी एडजस्ट करने में 5-10 मिनट लगेंगे। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, काउंटर बिल्कुल खाली कर दिया है, क्योंकि हमने जो पूरा माल था वो पीछे सेटल कर दिया है जहाँ जहाँ उसकी जगह थी। और गर्लिश पैंटें जो हमने यहाँ लगवा दी, क्योंकि गर्लिश पैंटों की जगह हमारी साइड है, और बॉयज़ पैंट हमारी ये साइड लगी है, बैक साइड। और बिल्कुल जो हमारा काउंटर है ना, बिल्कुल खाली रहना चाहिए, जो कि हमारे कस्टमर आते रहे उनको दिखाने के लिए बिल्कुल एकदम खाली सा काउंटर रहे। इसीलिए हम जो है सामान की पैकिंग एकदम से कर लेते हैं। और आप बैक साइड देख रहे हैं, भाई साहब मेरे घर के पास ये है, और इनका घर भी मेरे साथ ही है, मेरे घर के साथ ही है। और जैसे आप बैक साइड देख रहे हो, मेरे कमीजे बिल्कुल नहीं आई है इस बार बॉयज़ की, जो कि साइज़ में MLXL वगैरह आए हैं, और ये शर्ट भी नहीं हुआ है। अभी हमें इन्हें जो है पैक करना है, अभी हमें सामने रखना है इनको बिल्कुल एकोरेट करके। तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। दिन के जो है 2 बज गए हैं, और मैं आया हूँ फिलहाल लंच करने, जो कि यहाँ पीछे आंटी बैठे हैं हमारे पास। मैं डेली यहीं पर आता हूँ चाय पानी पीने, जो भी है रोटी राटी खाने। तो अभी जो है खाना लग रहा है, आज मैं यही खा रहा हूँ क्योंकि घर से मैंने खाना नहीं लाया आज। और तो मिलते हैं लंच के बाद। तो खाना बिल्कुल सादा है, दाल और कढ़ी है, क्योंकि आज मैं घर से नहीं लाया खाना, क्योंकि वैसे मैं घर से हमेशा लाता हूँ। तो खाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो है लंच वगैरह कर लिया आज, घर से भी नहीं लाया था। तो चलते हैं अभी शॉप, शॉप में काम वगैरह करना है बहुत सारा। तो भाई अभी वेट पे ही कर रहे हैं मेरा। क्यों भाई वेट ही कर रहे हैं मेरा? और कमीजे भाई वहाँ लगवानी है, पार खाने में पार लग जाएगी ये सामने, बहुत अच्छी आई है कमीजे, आप भी आ जाना। और ये अभी थोड़ा फोल्ड करने को है, इसको कर लेते हैं। तो ये देखो दोस्तों, 4 बजे का टाइम है और फिर से जाम लग गया है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा। तो आप सामने देख सकते हो भाई, बाइक वाले को भी बड़ा मुश्किल हो रहा है निकलना यहाँ से, क्योंकि भाई रोड ही इतना तंग है। तब भी बंदे क्योंकि एक दूसरे को समझ जाते हैं, क्योंकि रोड के हाल ही कुछ ऐसे है, और थोड़ा आराम से होता है यहाँ गाड़ियों को पास करना। शाम का टाइम हो चुका है और मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ रिलैक्स फील करने, थोड़ी ठंडी हवा खाने, जो कि यहाँ के नेचुरल वृक्ष से ठंडी हवा आती है। पंखे की हवा भी कब तक खाएंगे? मैं शाम का यहाँ से दिखा देता हूँ आपको व्यू, जो मेरे दुकान के बैक साइड से कैसा दिखता है। तो यहाँ से दिखता है कुछ ऐसा व्यू, इस साइड मेरा घर है, आगे को कॉलेज साइड को ममलेश्वर टेम्पल जहाँ पे है। और ये देखो भाई, सलूट है झंडे को। हाय, यहाँ पे तो बहुत ही मज़ा आता है, ठंडी हवा चलती रहती है यहाँ पे बाहर, क्योंकि अंदर भी बोर हो जाते हैं। हमारा हिमाचल जो है स्वच्छ है, जैसा कि बाहर देशों में
चला रहता है, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, क्या क्या चला रहता है, उससे थोड़ा राहत है हमारे हिमाचल में। जैसा कि आप सबको पता है, 15 अगस्त में स्कूलों के जो है फंक्शन वगैरह होते हैं, और 15 अगस्त को और चीज़ें भी एक्टिविटी होती है, तो हमने उसकी ड्रेस मंगाई है जो कि श्री कृष्ण की है, और वो हमारे अभी जन्माष्टमी में अभी काम आ गई। मैं दिखा देता हूँ आपको बैक कैमरे से। तो ये रही हमारी ड्रेस, जो कि इसमें लिखा है लिटिल कृष्णा, जो कि हमारा जो प्रिंट है कृष्णा का बना है। और ये रहा हमारा छोटा वाला सेट, इसमें भी बहुत अच्छा प्रिंट है, और यहाँ देख सकते हो आप। और ये भाई यहाँ रेट लगवा रहे हैं, अभी बहुत सारी ड्रेस आई है, और ये देख सकते हैं आप छोटे वाले का तो बहुत ही अच्छा। और हमें इसे पैक करना है इस थैले में। और धोती देखो बहुत प्यारी है दोस्तों, इसकी बहुत अच्छा सेट है आया है। आप लोगों को चाहिए होगा तो ज़रूर हमारी शॉप में आए। फिलहाल कृष्णा की ड्रेस हमने पैक कर लिया, आप देख सकते हैं ब्लू थैली रखी है पीछे, हमने पैक करके रख दिया है। और भाई बाहर चले गए हैं थोड़ा इवनिंग का मज़ा लेने के लिए, क्योंकि बाहर जो है बैड लाइट हो गई है। मैं दिखा देता हूँ आपको बैक कैमरे से, क्या ऐसे देख लो आप सब, यहाँ तो एटो टाइम ही होता लगा जा भी, बाकी क्या बोल सकता हूँ मैं। क्यों भाई जाम यहाँ होता नहीं लगा, क्यों बोलो आप, मोटा ही है ना, कबल्ला ही होता लगा घंटे घंटे बाद, क्यों है ना। यहाँ देखो बड़ी परेशान है, यहाँ बंदे जनता बड़ी परेशान है। बाईपास बना दो जल्दी से एक जल्द अच्छा सा। ये देखो आप जानवरों को नहीं निकलने के लिए जगह, आदमी तो कहाँ से आएंगे। क्यों भाई, बाकी और कुछ नहीं, बाकी ना बारह पशुओं का भी करो कुछ। अभी पीछे जैसे तो ले गए थे इनको, फिर आगे कृषक में बहुत सारे। ये देखो अपने अंकल जी, हेलो अंकल जी, हेलो राखी वाले अंकल जी, हेलो सर, कैसे हो आप? बढ़िया सर, ठीक है आप? हाउ आर यू? बढ़िया है। हमारे अंकल जी, खास अंकल जी, भेज उनको कहाँ भेजा है, अभी तो वीडियो भेजूंगा मैं। खास बंदे ये साथ में ही है, एक ही शॉप है ब्रदर ब्रदर की जहाँ मैं होता हूँ। दोनों शॉप के ब्रदर ब्रदर ही है, दोनों ब्रदर ब्रदर ही है। सॉरी सोशल मीडिया नहीं, यूट्यूब में डालूंगा मैं। हाँ तो जो हमारे शॉपकीपर है उनके ब्रदर जी ने जो है आजकल डेकोरेशन बहुत अच्छी किया है, यहाँ पे देख लो आप रखियो की डेकोरेशन बहुत अच्छी की है। भाई साहब ने ये लाइटें भी दिन को ऑन नहीं होती रखी, क्योंकि एक्सपेंसिव दिखे थोड़ी दुकान, अलग जैसी दिखे। और ये है पूरी दुकान देख सकते हैं आप, परे से लेकर कम से कम 8 शटर है हमारे जो पूरे यहाँ तक है। यहाँ जो है हर त्यौहार मनाया जाते हैं ऐसे ही, जैसे अभी पटाखे लगेंगे इसकी जगह जिस त्यौहार के साथ जन्माष्टमी का लगेगा, मतलब अलग अलग डेकोरेशन होगी यहाँ। एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव क्यों, अक्वायरमेंट होगा ना बच्चों का सारा, बच्चों के जितना भी जो भी होगा राधा कृष्ण की जो फुल ड्रेस, फुल ड्रेस ओके okay. वो है हमारे पास भी है ना। हाँ ठीक है अंकल जी, अब जो है शॉप क्लोज कर लेते हैं, तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। भाई तो क्लोजिंग कर रहे हैं, तो मैं भी इनकी हेल्प कर लेता हूँ, थोड़ी देर में मिलते हैं। शॉप जो है हमने क्लोज कर दिया, और भाई साहब जो हमारे शॉप कीपर है थोड़ा सेल आउट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने एक ड्रेस और दी है वो श्री कृष्णा वाली, और ऊपर वाली साइड शटर ऑफ कर दिए हैं। और अब हम चलेंगे घर, भाई साहब खड़े हैं बैक साइड, चले भाई तो आपसे मिलते हैं अब डायरेक्ट घर पे ही। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल का जो मैं व्लॉग एंड नहीं कर पाया, क्योंकि कल मैं थोड़ा देर से भी घर पहुंचा, क्योंकि काम भी बहुत था मुझे, रास्ते में राखी वगैरह मंगवाई थी मुझसे, और भी कुछ सामान मंगवाया था, तो इस कारण मैं व्लॉग का एंड नहीं कर पाया। तो मैं कि आज नेक्स्ट डे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 9:30 बजे नहा धो के फ्रेश एकदम बिल्कुल बाल बुल सिंपल, और दीदी अभी रेडी हो रहे हैं, और उसके बाद जो है राखी रुखी बांधेंगे हम, और फिर जाना है दुकान भी जाना है आज, क्योंकि मनोज भाई भी अकेले है दुकान पे, और अभी तैयार हो रहे हैं, फिर राखी रुखी बांधते हैं, फिर आगे का देखते हैं। उतनी देर के लिए जितनी देर दीदी तैयार होते हैं उतनी के लिए मैं आपको, हल्की हल्की बारिश जो हो रही है यहाँ पे, यहाँ का वेदर दिखा देता हूँ। वेदर यहाँ का बहुत अच्छा है, यहाँ का बहुत ही अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बैक साइड हमारे, इसको जुट्टू बोलते हैं जो कि बालों पर लगता है हमारे, इसको यहाँ पर पहना जाता है। और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ आज का जो वेदर कैसा है, बहुत ही शानदार है। ये हमारी चिंडी माता बुखरौट साइड को है, और ये रहा हमारा इस साइड को, आगे को हमारा माउनाक साइड है, जो कि अभी धुंध से दिख नहीं रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है आज, क्योंकि बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। तो अभी दीदी वगैरह तैयार हो गया, अभी थोड़ा राखी बांध लेते हैं, फिर शॉप भी जाना हो गया, अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, 2-4 मिनट और लगने वाले हैं। आज का मौसम भी भाई बहुत ही अच्छा है, 15 अगस्त की भी सभी लोगों को, भारतवासियों को बधाई है आप सबको, जो कि रक्षाबंधन आज है, आप सभी लोगों को भी बहुत सारी बधाई है। तो ये हमारी प्लेट है जिसमें जो टीका टुका है, मिठाई नहीं है लाई हुई है, मिठाई देखो, मिठाई भी लाई हुई है, और खोल दे इसको डब्बे को, सीधा खोल इसको नीचे रबड़ से। और ये रही राखी जो दीदी ने लाई है, अच्छा पैटर्न है बिल्कुल, चलो जैसा भी है।
सब कुछ चलता है, सब कुछ अच्छा है। ये फैशन के लिए थोड़ी, ये तो एक जो हमारा त्योहार है ये तो आम जलाए थे नहीं तोड़े। इसमें से ये ठीक है क्यों? और ये रही मैक्स ये भी पहनाएगी अभी अपने भैया को, रखिए ना मैक पहनाएगी ना। हाँ भाई बहन का रिश्ता इस दुनिया में सबसे अलग और स्पेशल होता है। तो अब हम राखी पहन रहे हैं, जल्दी जल्दी से हम राखी पहन लेते, उसके बाद हमें शॉप जाना है। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। जो हमारा ममलेश्वर टेंपल है, मैं क्यों मंदिर भी जाने वाला हूँ साथ में, तो बने रहे मेरे साथ ब्लॉग पे आप सभी। तो मैं पहुंच गया हूँ शिव मंदिर के पास, और जैसा कि मेरे बैक साइड देख सकते हो गेट, और आज ज़्यादा रश भी नहीं है यहाँ। जय हो मालिक, प्रभु सबका दिन अच्छा जाए, हम तो यही गुजारिश करते हैं। ये मेरे बैक साइड शिव मंदिर है, जहाँ बहुत ही औसम है हमारा मंदिर ममलेश्वर महादेव टेम्पल मुंबई में है। ज़्यादातर जिक्र मैंने किया है ब्लॉगों पे मंदिर का। और ये रहा शिव मंदिर, आप सभी भी दर्शन कर लें, क्या पता आप सभी की मनोकामना भी पूरी हो जाए, मेरी तो शिव भोलेनाथ से यही दुआ है। और ये चारों पहाड़ियों के बीच घिरा खुले आसमान के नीचे हमारा भोलेनाथ का मंदिर है, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी करसोग में ये स्थित है। पहली मैं आज शॉप पहुंच गया हूँ, और शॉप मैंने पूरी लगवा दी है, क्योंकि मुझे मंदिर के पास से लिफ्ट मिल गई थी, फ्रेंड आया था बाइक में, उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया था, और दुकान पूरी लग गई है। और पीछे धागे देख सकते हो आप, धागे हैं यहाँ पे वुलन के, क्योंकि मैं आपको कल दिखाना इनको भूल गया था, जो कि यहाँ ग्राउंड फ्लोर में हमारे धागे रखे गए हैं, और कुछ स्वेटरें रखी गई है, और जैसे बास्केट वगैरह सदरिया वगैरह रखी गई है, स्कूल ड्रेसेस वगैरह रखी गई है, और कुछ सामान रखा है जैसे कम्बलर जाइयाँ, जैसे प्लाजो सूट वगैरह रखे गए हैं। और ये ग्राउंड फ्लोर है, और सेकंड फ्लोर हमारा यहाँ से है, ऊपर को सीढ़ियाँ जाती है ऊपरली साइड को, ग्राउंड फ्लोर सेकंड फ्लोर सॉरी हमारा ऊपरली साइड है, वहाँ पे गारमेंट्स का रखा गया है। तो मैं आज बताने वाला हूँ आपको, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारी त्यौहार की शॉप है सेकंड परले वाली शॉप है, कि वहाँ डेकोरेशन अलग अलग त्यौहारों के हिसाब से लगती है। तो मैं आज की डेकोरेशन बताता हूँ, वहाँ की जन्माष्टमी आने वाली है, वहाँ श्री कृष्णा की डेकोरेशन होगी है, मैं दिखा देता हूँ आपको, बहुत ही गजब का कमाल है भाई, भाई के हाथों में। तो यहाँ देखो पूरी श्री कृष्णा की सेटअप कर दिया भाई ने, नीचे से लेकर पूरे, यहाँ देखो आप, ये पालकी होगी हमारी श्री कृष्ण की, ये बड़े वाली पालकी होगी है। और ये जैसे पीछे देख सकते हो आप, डमीज वगैरह लगवाए हैं, मैं बैक कैमरे से एक बार आपको शॉट दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। तो ये रहा श्री कृष्णा का सेटअप, जो कि बहुत अच्छी सजा के रखी है भाई ने दुकान, वैसे ही भाई हर त्यौहार को यहाँ सजा के रखते हैं, जो जो त्यौहार है उस हिसाब से। और यहीं सामने अपनी शॉप भी है, और यहाँ देखो पालकी बहुत अच्छी है, और ये वाली है अपनी शॉप जहाँ मैं काम करता हूँ। और तो ये रही हमारे दूसरे दिन की शाम कुछ इस प्रकार, और आज भी हमने शटर जो है क्लोज अभी करने को रह गया, और यहाँ जो क्लोज हमने कर दिया है, क्योंकि पिछले दिन मैं शाम को लेट पहुँचा घर पे, क्योंकि उस कारण जो है ब्लॉक का एंड नहीं कर पाया, जो ब्लॉक का एंड मैं आज करूँगा, क्योंकि अभी जो हमने शॉप वगैरह बंद कर ली है, रक्षाबंधन का भी आज लास्ट डे है, क्यों भाई? तो आज हम अब घर जाएंगे थोड़ी देर में, बस 5-10 मिनट में निकलने वाले हैं, क्या पता मैं आज मुंबई ही जाऊँ, तो मैं मिलूँगा आपसे डायरेक्ट घर पे ही। फाइनली दोस्तों टाइम हो चुका है, रात का 9 बज गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं घर में पहुँच गया हूँ, और मैंने अभी जो है खाना भी खाना है। तुम लोगों ने खा लिया खाना? और ये पीछे मामा की बेटी है, और ये दीदी के बेटा और बेटी है, और मेरा रक्षाबंधन तो बहुत हैप्पी वाला रहा, आप लोगों का कैसा रहा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जैसा कि 15 अगस्त की तैयारियां भी चली है, जो कि हमारे इंडियन आर्मी है और इंडियन पुलिस है, उन लोगों को तो भाई दिल से सलूट है, जो कि हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं। तो यहाँ कुछ कुशाल कुछ बोलना चाहता है, दीदी के बेटे का नाम कुशाल है, मैं आपको बता देता हूँ, तो क्या बोलना चाहते हैं मामू? मामू जी की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये है दीदी का बेटा, और तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और सभी को 15 अगस्त की फिर से सभी को बधाइयाँ विद फैमिली भारतवासियों को। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, और दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर ही बता दे, और चैनल को सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें, बाय दोस्तों, बाय करो, बाय।